बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू माई चैनल इसी कुकिंग में नमस्कार। तो आज ही आप लोगों के लिए एक और ज़बरदस्त किस्म की मज़ेदार रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, और ये हर इवेंट में, हर दावत में, हर मौसम में, हर छोटे बड़े के लिए हर दिल अजीज़ है, सभी बहुत पसंद करते हैं। और मैंने जो चिकन ड्रामस्टिक के जो ब्रोस्ट बनाया है, तो देखिएगा कि इसमें मैंने क्या चेंजिंग की है, क्या मसाले डाले हैं, क्या टिप्स हैं, क्या ट्रिक्स हैं। कोशिश होती है कि चीज़ को आसान करके और मज़ेदार बनाया जाए, तो हर एक अपना तरीका है। और देखिएगा कि मैंने ये ड्रामस्टिक का ब्रोस्ट कैसे बनाया है। वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा, ताकि छोटी छोटी चीज़ें जो मसाले डलते हैं वो मिस ना हो जाए। तो चलिए जी, चलते हैं रेसिपी की तरफ। चलिए जी, शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने ये चिकन के लेग्स पीसेस लिए हैं, और ये देखिए थोड़े हेल्दी पीस हैं, मोटे मोटे हैं। और इसका मैंने कट लगाना है, बहुत डीप कट लगाना है, इतना कि इसका बोन तक पहुंच जाए। तो इसलिए इसको दो एक साइड से कर लेने हैं, लेकिन डीप कट लगाने हैं, तो ताकि ये देखिए नीचे बिल्कुल बोन है। और इससे क्या होगा कि मसाला अंदर तक जाएगा, और सेकंड ये कि पकाने में अच्छी तरह ये गोश्त गल जाएगा और बहुत ही मज़ेदार और नरम बनेगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा जब आप उसको पकाने के लिए फ्राई करते हैं, तो फिर वो क्यों सख्त होता है ये मैं साथ साथ बताऊंगी। तो ये कुछ मसाले हैं, सार मैंने लिख भी दिया है। नमक अपने मुताबिक डाल लीजिए। और इस तरह मैंने चाट मसाला 1 टीस्पून डाला है, गर्म मसाला आधा टीस्पून है, और काली मिर्च 1/2 टीस्पून है, रेड चिली 1/2 टीस्पून है, और जो सूखा धनिया है 1 टीस्पून है। और साथ ही मैं 3 टेबलस्पून भर के ये ब्रोस्ट मसाला डाल रही हूँ। ये किसी भी कंपनी का जो आपको पसंद हो वो डाल लीजिए। तो मैं घर के मसाले लाजमी डालती हूँ, और इस तरह जो अपने मसाले साथ डालेंगे तो उसका एक अपना टेस्ट होता है। साथ ही मैंने तकरीबन 4 टेबलस्पून भर के ये दही डाल दिया है, और साथ ही 3 टेबलस्पून ये चिली सॉस डाल रही हूँ। तो क्वांटिटी जो होती है ना, हर इंसान की अपने मुताबिक जो हम शामिल करते हैं ना, इससे भी टेस्ट बहुत ज़्यादा इन्हेंस होते हैं। वरना मसाले तो सभी किचन में एक जैसे ही होते हैं, लेकिन कौन सी चीज़ कैसे डालनी है ये ज़्यादा प्रेफर करती है। 2 टेबलस्पून मैंने सोया सॉस डाला है, और 1 टेबलस्पून सिरका है, और इसी तरह तकरीबन 3 टेबलस्पून ये नींबू का रस होना चाहिए, इतना ये मिलाइए। इसीलिए मैंने सिरका 1 टेबलस्पून डाला है। सिरके की खटाई का अपना मज़ा है, नींबू का अपना मज़ा है। और एक मैंने अंडा इसमें शामिल किया है। तो इसको अच्छी तरह हाथ से मिक्स करेंगे, ताकि ये जितना भी मसाला है ये गोश्त के अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाए। इसलिए जब भी ये इस किस्म का जब आप मैरिनेशन करें गोश्त की, तो कोशिश करें कि हाथ से मसाला अच्छी तरह मिक्स करें। तो इसलिए ये मैंने अच्छी तरह इसको मिक्स किया। साथ ही 2 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट है वो भी इसमें शामिल कर रही हूँ। तो इसको अच्छी तरह मज़ीद मल के और ये मिक्स करना है थोड़ा सा, यानी बोटियों को थोड़ा सा दबा दबा के, ताकि ये मसाला अच्छी तरह गोश्त में चला जाए। तो इसलिए यहाँ तो थोड़ी सी वीडियो स्किप की जाती है, लेकिन थोड़ा सा अच्छी तरह आपने इसको मल मल के मिक्स करना है। तो उसके बाद फिर इसको कवर करके कम से कम 6 घंटे के लिए आप रेफ्रिजरेटर रखिए, उसमें रखिए, या फिर ओवरनाइट के लिए छोड़ दीजिए। तो मैंने तो पहले रखा, लेकिन क्योंकि मैंने फिर 2-3 दिन के बाद मैंने फ्राई किया था, तो फिर मैंने इसको कंटेनर में डाल के तो फ्रीज़र में रख दिया था। तो फ्रीज़र में रखने के बाद फिर जब आप पकाते हैं, तो फिर उसे पहले से थोड़ा आप रूम टेम्परेचर पे लाएं, थोड़ी देर रखें। तो ये देखिए कि थोड़ा ड्राई हो गया है, तो अब इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी, और ये काफ़ी देर से मैंने बाहर निकाला हुआ है, तो उसके बाद फिर इसको फ्राई कर लेंगे। तो इसलिए लॉन्ग टाइम के लिए अपने रखना है, तो फिर फ्रीज़र में आप रख दिया करें। अब यहाँ पे मैंने ऑयल को अच्छी तरह जो है वो गर्म किया है, कि हाथ से इसकी गर्माइश और तपिश महसूस हो रही है, उसके बाद डाला है। तो अब मैंने फ्लेम को फौरन लो कर देना है, क्योंकि हाई पे फौरन जो है वो चिकन पक जाएगा और अंदर से कच्चा रहेगा। तो अभी भी ये तेल देखिए कि थोड़ा सा तेज़ गर्म हो गया, बल्कि इससे थोड़ा सा कम गर्म करना है। और फिर मैंने एक साथ जो है वो 4 पीसेस डाल दिए, तो उसका टेम्परेचर थोड़ा कम हो गया।
तो फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया है और अब हमने लो फ्लेम पे डीप फ्राई करना है ताकि गोश्त अच्छी तरह पकता रहे और इसको फौरन उलट पलट नहीं करना, अदरवाइज़ क्या होगा कि मसाला इसका निकल जाएगा। तो इसे जब आप डालें तो चम्मच से जो इसका मसाला होता है वो इन पीसेस के ऊपर भी थोड़ा डाल दिया करें और फिर इसको पकने दें, लो फ्लेम पे पकने दें। जब आपको लगे कि नीचे से लाल लाल थोड़ा सा मसाला हो रहा है तो उस वक्त इसको बहुत केयरफुली आपने फ्लिप करना है ताकि इसका मसाला निकल ना जाए, और फिर दूसरी साइड पे भी आप छोड़ दीजिए लो फ्लेम पे और पकता रहे। अगर आपको लगे, क्योंकि वैसे तो मुझे पता है कि ये कितने टेम्परेचर पर कितनी देर में ये पीसेस पक जाएंगे, लेकिन मैंने ये जो थोड़ा बताया है कि इसको कवर करके रखना, कि अगर बिल्कुल समझते हैं कि कोई पीसेस मोटे हैं, जैसे ब्रेस्ट पीसेस भी आप फ्राई करना चाह रहे हो या पीसेस कोई मोटे हैं और आपको लग रहा है कि अंदर से कच्चे हैं, तो आप फिर ऐसी सूरत में थोड़ी देर इसको कवर करके रखें तो ये गोश्त अच्छे अंदर से अच्छी तरह पक जाएगा और सॉफ्ट भी होगा। जब हम मसाले में अमदही डालते हैं, जब भी मैरिनेशन करते हैं, तो इसका जो दही डालने से जो गोश्त है वो नरम फ्राई होता है, इसलिए जो भी फ्राई करें उसमें थोड़ा दही लाजमी डाला करें। तो ये देखिए कि कितने अच्छे सुनहरी जो गोल्डन हुए हैं, यानी इस तरह ये देखिए कितने अच्छे ये गोल्डन हुए हैं कि इनका मसाला जो है वो बिल्कुल डार्क ब्राउन नहीं हुआ। तो हमने डार्क ब्राउन नहीं करना, इसी तरह सारे पीसेस फ्राई कर लेने हैं और ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही अंदर से सॉफ्ट, जो कि बाकायदा अंदर से आपको सूपी गोश्त लगेगा। इस तरीके से लाजमी बनाइएगा, एक दफ़ा ये ज़रूर बना के देखिएगा और अपनी दावतों में शामिल कीजिएगा, तो ये यकीनन आपको रेसिपी पसंद आएगी और छोटे बड़े को अच्छा लगेगा। तो पसंद आने की सूरत में मेरे चैनल को अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, अपनी फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर किया करें और लाइक ज़रूर किया करें। आप लोग लाइक नहीं करते तो आप लोग लाइक बहुत कम करते हैं, और लाइक ज़रूर किया करें और अपनी दुआओं में याद रखिए। खुश रहिए, एंजॉय कीजिए। अल्लाह हाफिज़।